सिर्फ 2 मिलियन में थोड़ी बाइक ले सकते हो, मेरे भी 1 लाख होंगे। आप भी मार्केट में, आप भी ले रहे थे ना। हम 6 साल ले रहे गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे 1 लाख हो नहीं रहे। यासर भाई यासर भाई ने ब्लॉगिंग छोड़ दी है, तो गाइस जिस दिन हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम 6 साल ले लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड मारा था मैंने आप लोगों को, बोला था 20,000 कमेंट पूरे कर देना, आप लोगों ने शायद कर ही दिया होगा। कितने कमेंट हुए इस वीडियो पे? 21,000 हो गए हुए हैं। तो गाइस हम फाइनली 10 आवर बुक कर रहे हैं, ठीक है। हंस तो रहा भाई, तो कुछ बोल रहा है, खुशी हो रही है, पैसा आ रहा है, पैसा क्यों हो रहा है, पैसा आ रहा है। चलो चाचू, लेट्स गो फॉर मिशन, लेट्स गो टाइम रोल। नेक्स्ट डे मैं बाइक उठाऊंगा, और ऐसी बाइक उठाऊंगा ना, ऐसा टीसी नंबर उठाऊंगा कि सब लोग बोलेंगे छुपा के रखा हमने वो टीसी नंबर, जो हमने उठाना ना खुद के लिए, हमने छुपा के रखा, किसी को दिया नहीं है, तो प्लांट में भी छुपा के रखा है, तो मिलेगा अनोखा टीसी नंबर लेके आएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, मस्ट फाइन एंड ग्रेट। सो गाइज आई एम बैक टू अनदर व्लॉग, एंड गाइज अभी आज हम आ चुके हैं बहुत अलग सी लोकेशन पे। गाइज देखो, हम लोग हैं राइडर लोग, हम क्या राइड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट हम राइडर हैं, कुछ ना कुछ तो राइड करेंगे। आज हम बड़ी एक स्पेशल सी चीज़ राइड करने आए हैं, हमारे दोस्त के पास एक फैजान भाई हैं, फैसल भाई हैं, उनके पास आए हैं आज हम, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या राइड करेंगे हम, ठीक है, दिखाते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज ये चेक करो हम कैसी सी लोकेशन पर आ गए हैं, पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है, एंड वहाँ देखो वो आ रही है हमारी राइड, ठीक है, दूर दूर से चलती चलती आ रही है। ये है गाइस घोड़ी जो आज हम राइड करेंगे। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ तो ये बस, ये हमारे फैजान भाई। फैजान भाई कैसे हैं आप? भाई बढ़िया। ये हमारे फैसल भाई, बस ये और इनके छोटे भाई, बस बस। साले गिल्ली, तूने पूरी घोड़ी कर दी है, आजा बैठ जाओ, पूरी गिल्ली है, क्या बैठना इस पे, बैठो फटाफट, ये जल्दी बैठ जाओ, गरम तो है, गिल्ली है पूरी घोड़ी, कोई मारो छलांग पर, बस ओए तो पता नहीं क्या बैठना ऊपर, बस बस छोड़ना, बेचारा इसको पकड़ना देना, खुद ही छोड़ना, बस बस आजा छलांग। उसको ने ले जा, उसको ने उधर से, उधर उस साइड रवाना, बैठे तो दे साफ लगा दे थोड़ा। साले मेरे पट्टों में दर्द हो रहा है, चलो एक ही कहां से उड़ानी है, वहां से उधर से उस साइड लेके जाना, पूरा उस साइड नहीं नहीं ये ना ये वाला नहीं। तो गाइस ये चेक करो, हम घोड़ी के ऊपर आ गए, एंड ये चेक करो गाइस पसीना, चेक करो कितना आ गया, तो पसीना तूने निकाला भरा, गिल्ला तो मैं हो रहा हूँ, भाई नहीं भागती कसम से, दर्द होने लग जाती है, आपसे भगाई नहीं जा रही है भरावा, ये खुद ही भागती है भरावा। ओए गिराएगी यार, डर लग रहा है मेरे को, बस 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 राजा, बस बस छोड़ा है क्यों जा। तो गाइस अभी एक ना व्यू आएगा, वो मेरे ऐसे हाथ का होगा, इसमें घोड़ी चला रहा, चलो रुको बस, ये देखो गाइस कुत्ते पीछे आ गए। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं वापस,
अपनी जहाँ पे हम लड़के खड़े वहाँ तक के लिए राइड मारते हैं। डर लग रहा है गुरु कुत्तों से। तो गाइस हॉर्स राइडिंग वगैरह तो हो गई थी बट वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया था, उसके बाद हम घर निकल आए थे। अभी पहुँच गए हैं बठिंडी वापस। तो हमारे साथ शाहरुख, शाहरुख कैसा लगा मसला? मसला अच्छा था, बस थोड़ा मसला ज़्यादा हो गया था। मसले में मसला हो गया था हमारा, लड़ाई लड़ाई हो गई थी किसी के साथ, तो फिर बड़ा खतरनाक सीन हो गया था। फिर हम घर निकल आए। तो अभी शाहरुख भाई के 10 रुपये गिर गए मिले यार। वो मसला नहीं, गिरे कहाँ है, गिर गए लेकिन दिख क्यों नहीं रहे मेरे को। हाँ ये मसला ये बड़ा है, दिख नहीं रहे। पैसा बहुत है शाहरुख भाई पे। तो गाइस अभी जा रहे हैं घर, थक गए बड़े ज़्यादा, आज हिम्मत नहीं है घर जाके सोने वाले। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अगर आज नहीं तो कल। The next day. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good, must be fine and great. So guys, today I'm back. And guys, आज हम ना अपनी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवा रहे थे, वॉशिंग वगैरह करवा रहे थे, थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह करवाई थी एंड कुछ सीट कवर्स वगैरह डलवाने थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो चुके हैं। टाइम हो चुका है एक एंड गाड़ी में सारा काम करवा दिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सीट कवर्स कैसे लग रहे हैं। तो ना खुद से के पैसों से कोई चीज़ ली हुई होती है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस पर काम वगैरह कराने एंड जब वो चीज़ परफेक्ट बैठती है ना एंड जो चीज़ परफेक्टली निकल के आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी चल रहे हैं ऑफिस, टाइम हो चुका है ऑलरेडी 1:15 एंड बाकी फ़ोन पे काम शाम चल रहे थे, सीट कवर्स से देख रहा था मैं लगते हुए, बाकी काम तो सारे फ़ोन पे ही चल रहे थे एंड काम शाम ओके हो चुका है। एंड एक बड़ी न्यूज़ है गाइस, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने ब्लॉग डाला था अलियान भाई ZX10R बुक कराने का सोच रहे हैं एंड आज अलियान भाई का फ़ोन आता है हमको, कल रात को इनफैक्ट, कल शाम को मैं और अलियान बैठे हुए थे, तो कल शाम को मैं और अलियान बैठे हुए थे तो मैंने कहा अलियान भाई क्या सोच रहे हो आप? अलियान भाई कहते बस भाई सोच रहे हैं कब लेनी है। मैंने कहा अलियान भाई कल सुबह आ जाइए, बुकिंग करा लेते हैं, बाइक मंगा लेते हैं, आपके 2 मिलियन पे डिलीवरी दे देंगे। तो गाइज जल्दी से जल्दी जाके हमारे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स करवा दो 1 लाख के आसपास, ताकि हम भी ऐसे ही आपको सरप्राइज दे दें 6R का, छोटी मोटी 6R का। गाइज 1 लाख सब्सक्राइबर्स ना, देखो बाइक लेने को मैं अभी भी ले सकता हूँ बट प्रॉब्लम दो है। अभी मैंने फिलहाल मैंने जो गाड़ी पैसे रखे थे वो मैंने रखे थे बाइक के लिए, ठीक है, उन पैसों से मैंने गाड़ी ले ली है। अनडाउटेडली थोड़े से पैसे डाउन पेमेंट करके, थोड़े से पैसे फाइनेंस करके, 50% फाइनेंस करके, 50% डाउन पेमेंट, 50% फाइनेंस करके मैंने गाड़ी ले ली। वही सेम चीज़ मैंने करनी थी बाइक के साथ, वही 50% पैसे मैंने डाउन पेमेंट देने थे, 50% पैसे मैंने फाइनेंस कराए। तो गाइस अब मेरे को थोड़ी ज़रूरत फील हो रही थी गाड़ी की, बिकॉज मेरे फादर साहब रिटायर हो चुके हैं एंड घर पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ थोड़ी कम रहती हैं, तो इसलिए गाड़ी की और ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो एक गाड़ी ले लेते हैं, बिकॉज ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर पैसा खर्चना तो ज़रूरत है, शौक़ तो कभी पूरे हो सकते हैं, तो बाइक हमारा एक शौक़ है वो भी पूरा करना है हमें। तो मैं ना चाहता हूँ कि मेरा इतना सा, सिर्फ इतना सा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए ना यूट्यूब से कि मेरी EMI निकल जाए, लाइक 15-20 हज़ार रुपये आ जाए महीने का। जिस दिन मेरे को ये लगेगा ना कि मेरा 20 हज़ार रुपये महीने का हर महीने आ रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, मैं आंखें बंद करके बाइक उठा लूँ। देखो मेरे को तो सर्विस वगैरह की टेंशन नहीं है, बाइक पालने की टेंशन नहीं है, पेट्रोल की टेंशन नहीं, वो चीज़ें मेरे लिए ना एक सेकेंडरी चीज़ है, वो उन चीज़ों की मेरे को टेंशन नहीं है। बस मेरे को टेंशन ये है कि अगर मैं 3-4 लाख रुपये दे के बाइक उठा भी लेता हूँ तो डाउन पेमेंट, देखो जो एक हर एक मिडिल क्लास बच्चे का ये होता है सीन होता है, वही मेरा भी सीन है। हाँ अनडाउटेडली आई एम वर्किंग विद कावासाकी, इंशाल्लाह आई विल वर्क फॉर कावासाकी फॉर एवर, कावासाकी हमारे पास रहेगा, हम कावासाकी के पास रहेंगे हमेशा 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 के लिए, यही मेरे ज़िंदगी के थॉट्स हैं फॉर कावासाकी। लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है कावासाकी के साथ। तो सर्विस वगैरह इन सब चीज़ों की ना टेंशन नहीं रहेगी। बाकी रही बात बाइक की, बाइक लेनी है कब लेनी है वही थोड़े सॉर्टेड अनसॉर्टेड से सीन चल रहे हैं। जिस दिन वो सॉर्ट हो जाएगा ना, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, 1 लाख भी छोड़ो, जिस दिन मेरा 20 हज़ार रुपये इनकम सोर्स यूट्यूब से आना स्टार्ट हो जाएगा ना भाई साहब, उस दिन बाइक उठा लेंगे हर महीने। जिस दिन 3 महीने मेरा 20-20-20 लाख रुपये आ गया ना, गारंटेड बता रहा हूँ नेक्स्ट डे मैं बाइक उठाऊंगा, और ऐसी बाइक उठाऊंगा ना, ऐसा चेसी नंबर उठाऊंगा कि सब लोग बोलेंगे भाई साहब छुपा के रखा हमने वो चेसी नंबर, जो हमने उठाना ना खुद के लिए हमने छुपा के रखा, किसी को दिया नहीं है, कंप्लांट में भी छुपा के रखा है। तो मिलेगा अनोखा चेसी नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी पहुंच गए ग्रेटर कैलाश एंड जा रहे हैं ऑफिस की तरफ एंड मिलते हैं आपको ऑफिस में। तो फाइनली गाइस ऑफिस पहुंच चुके हैं एंड यहां पे चेक करो इस गाड़ी की डिलीवरी है कल, तो अभी इसका हो रहा है चेसी नंबर ट्रेस, तो
तो ये मानी ट्रेस कर रहा है यहाँ पे, और हमारे पास लाइनअप खड़ा है। शायद आज इस चैनल का भी कुछ फाइनल कर देंगे, तो अभी अंदर देखते हैं क्या ऐसा क्या सीन्स हैं। अभी अपने पे अंदर खड़ी है ये बाइक, ये कुछ बाइक्स खड़ी है, एंड इस वाली बाइक का ना क्या अंदर कुछ प्रॉब्लम का इशू आ रहा है, तो वो एक बार चेक करके सॉर्ट डाउन करते हैं। एंड बाकी खड़ी है हमारे पास वारंटी के लिए आई थी करुण भैया वाली गाड़ी, करुण भैया की वर्सेस 650। तो करुण भैया की बाइक के गाड़ी के अंदर ना नया रेडिएटर डल गया, बिल्कुल फ्रेश रेडिएटर नया पड़ गया, फ़ैन नया पड़ गया। ये देखो ये इनका पुराना फ़ैन है, और रेडिएटर का रेडिएटर, ये इनका पुराना रेडिएटर है, ये हो रहा था लीक ओवरहीटिंग की वजह से, ये लीक हुआ हो गया था तो कंपनी ने रिप्लेस करवा दिया। ठीक है गाइस, कोई भी पार्ट ना रिपेयर नहीं होता, सब रिप्लेस होते हैं पार्ट्स। कहाँ से लीक हो रहा था उस्ताद, यहाँ से लीक हो रहा था, बड़ी अजीब जगह से लीक हो रहा है। तो अभी कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को बाकी के सीन्स। तो फाइनली गाइस हमारे पास कुछ भाई लोग आ गए थे, क्या नाम है भाई, क्या आपका भाई, आपका हिमांशु भाई, सारे भाई लोग हैं। ये एक और हमारा फैन है गाइस, फैन कोई नहीं, सारे भाई अपने। ठीक है भाई, कैसे चल रहे हैं, स्कूल से आए हो डायरेक्ट? हैं ठीक है, ठीक है गाइस, बंक मार के आए हैं, तो गाइस फोटो खिंचा रहे हैं भाइयों के साथ, भाई लोगों के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। तो गाइस अभी कुछ अपने भाई लोग आए थे, तो अभी उनसे मिल लिए हैं, एंड तो अभी हम गाइस जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर टेपिंग करवाने हैं, टेपिंग कराएंगे हम। टेपिंग क्या ही है, कावासाकी का लोगो बनवाएंगे एक सही सा पीछे, एंड बाकी खुद के ऊपर भी छोटा सा लोगो लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे ताकि ना सबको पता चल सके कावासाकी वालों की गाड़ी है। ठीक है, क्योंकि हम कावासाकी के नाम से फेमस हैं, नफील कावासाकी, सबके फोन कॉन्टैक्ट में यही सेव होते हैं नफील कावासाकी। तो हाँ होपफुली अभी कावासाकी के नाम का ही लोगो लगाएंगे हम, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पर जाके। एंड गाइस एक गाड़ी पे लोगो नहीं लग रहा, लोगो लग रहे हैं पिछले तीन चार गाड़ियाँ साथ लेके चल रहे हैं हम, चार गाड़ी पे लोगो लगाने जा रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी होती हैं हमारे, सारी खुद की हैं, मेरी है, सोम की है, साहिल भाई की है, उन सब गाड़ियों पे लोगो लग रहे हैं। मेरी इको स्पोर्ट है नहीं साथ में, तो वरना उस पर भी लगा देते, वेन्यू जेन्यू सब गाड़ियों पे लोगो लगा देंगे हम, फ्री से क्यों आता है। तो फाइनली गाइस अभी हमने यहाँ पे देखो प्रिंटिंग हो गई अपने कावासाकी के लोगो की, ये इन दोनों की गाड़ी के ऊपर लगेगा। मैं लगा रहा चले ऐसे दो लगा हो गया, ऐसे 5 रुपए में लगा, क्या भरे हो प्यार पे तो लगाने वाले ने 50 रुपए का क्या काटा दे रहा है, कौन से 50 रुपए 200-300 रुपए का बनेगा कम से कम, ये तू दे रहा है मैं थोड़ी दे रहा हूं। कावासाकी स्पॉन्सर्ड, इधर मुड़ के स्पॉन्सर्ड है। चलो चाचू लेट्स गो फॉर मिशन, लेट्स द गुड टाइम रोल, लेट्स गो फॉर मिशन विद चाचू। तो फाइनली गाइस अब लगाने लग गए हम स्टिकर, चाचू सही लगेगा ना, डेढ़ आइन लगा देना बस, तंग कर रहा था दोस्त, चाचू को बड़ा तंग कर लिया हमने, चाचू ब्लॉगर बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो जितना ऊपर, वो दुआ वाला ना वो तो साले पतला नहीं कर रहा बस, हां ठीक है बस, ठीक है सीधा देखिए बस, हुन पीछे देखो पर पिछुआ देखो, ये थोड़ा थल्ले करो ऊपर है, और थल्ले करो, और थल्ले करो, साहिल भाई देखना यार, ठीक है नाइस। हेलो हेलो, गाइस बड़ा अच्छा लग रहा है, सीधा भाई बिक्की, यहाँ से टेढ़ी है ना, यहाँ से कम गैप है, यहाँ से ज्यादा गैप है, सही हो गया गाइस, बिल्कुल ओके रिपोर्ट लग गया। गाइज अभी निकल चुके हैं हम वापस कावासाकी के लिए, बिकॉज एक कस्टमर आ गया है, तो कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं हम अपने पर्सनल कामों के ऊपर, तो कस्टमर है ना, कि कस्टमर के साथ कुछ पंगे नहीं ले सकते, और कस्टमर को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ता है अपने कामों के ऊपर। तो फिलहाल निकल चुके हैं हम कावासाकी, अभी ना थोड़ी मैनुअल चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 3-4 दिन से सिर्फ ऑटोमेटिक ही चल रही है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत सी हो रही है मैनुअल चलाने में। तो अभी निकल चुके हैं, एंड एक इस गाड़ी की टेपिंग है जो ये सोम भाई के पास भी रेडी, सेम स्विफ्ट है, तो सोम की गाड़ी की टेपिंग हो चुकी है, एंड कावासाकी के लोगो लग चुके हैं। मेरे वाले में थोड़ा लंबा काम था, क्योंकि उसका रूफ
और ये वाला साइड वाली रूफ रेल्स वो सब ना हम टेप करवा रहे थे, ब्लैक करवा रहे थे एंड तो बाकी देखते हैं अभी चल रहे हैं, रास्ते में हैं एंड 5-7 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको ऑफिस में क्या सीन चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे चेक करो कौन आ चुके हैं, ये है हमारे कस्टमर जो हमारे पास नई बाइक लेने आए हैं। नहीं आप हमें एक बात बताइए, आप कस्टमर्स को 2-2 घंटे वेट कर रहे हैं, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो यार। आप कस्टमर हो पहले आप मेरे को ये बता देता हूँ ना, पहले आप मेरे को बताओ आप कस्टमर हो। नहीं भाई बस फिर चुप करके बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो नीचे, आओ ना एक मिनट को, जरा काम निपटा है अपना, काम निपट गया गाइस, हां गाइस काम निपट गया और क्या है, एक मिनट बंद करो ना। तो कितना देना चाहिए, क्या बोलते हो? 5 लाख दे देते हैं आज, 5 लाख ज्यादा नहीं है, हो जाएंगे कुछ नहीं होता, दे देंगे भाई 5 लाख रुपए दो, मेरे को कौन से 5 लाख दे देते हैं आज, 50,000 कैश देते हैं बाकी ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं ये कैश है, 70,000 70,000 ये 70,000। रुको ना अभी क्या छीन क्यों रहे हो आप, ये क्या ठीक है आपका पैसे छीनने वाला, अच्छा आप भी लोग मैसेज लेना मैसेज लेना। सफाई लिखा है यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैश है तो अभी हम बुक करने वाले हैं अपनी 10 और आप लोगों की डिमांड पे, मैंने आप लोगों को बोला था 20,000 कमेंट्स पूरे कर देना, आप लोगों ने शायद कर ही दिया होंगे, कितने कमेंट्स हुए इस वीडियो पे, हो गए 21,000 हो गए हुए हैं। तो गाइस हम फाइनली 10 आर बुक कर रहे हैं, ठीक है, हंस क्यों रहा है भाई, तो कुछ हो रहा है, खुशी हो रही है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्यों पैसा हो रहा है, पैसा आ रहा है ना, ये कैश पकड़ लो आप भाई, ये देख लो, ये गिन लो, ये 70,000 है, बाकी मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। तो गाइस अभी बाकी ऑनलाइन करते हैं तो अभी मैं आपको रिसिप्ट भी मिलती है ना इसकी बुक करने के बाद, तो फाइनली अभी हमने 10 आर बुक कर दिया, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो डिलीवरी मैं इसकी तभी लूंगा जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए, अभी 2 लाख 10 कितने, एक मिनट मेरा चैनल खोल, मेरा चैनल खोल रहा भाई, फोन बढ़िया टेंशन नहीं है, मेरा दूसरा फोन है। तो गाइस अभी मैं आपको करंट सब्सक्राइबर बता देता हूं, अपने सबसे ऊपर देखो कौन है, नीचे भी लोग आए हैं, तो अभी मेरे करंट सब्सक्राइबर हैं 17.3, ठीक है, मतलब 2 लाख कुछ सब्सक्राइबर्स बचे हैं हमारे, तो मैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम अपनी 10 आवर की डिलीवरी ले लेंगे, हमने बुकिंग कर ली है, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, मैंने गिने हैं, तो भाई चल ये देखो 70,000 दे दिया कैश, तो 4,30,000 गाइस ये रहा, ये नफील के अकाउंट में डाल दिए, नफील के अकाउंट में डाल दिए, कंपनी के अकाउंट में डाल दिए, हाँ सर गाइस कंपनी अकाउंट में, मैंने गाइस इसके नाम से वो सेव किया हुआ ना, That's why, और नंबर शो गाओ, ये मेरे मैनेजर ये ब्लर कर देना, नफील का नंबर ऊपर आ रहा है, ब्लर कर देना, तो गाइस ये काट रहा है, नंबर क्यों आएगा, नंबर थोड़ा ना आता है, तो गाइस ये ब्लर कर देंगे, अलियान व्लॉग्स दी थी मैंने, अलियान इकबाल कर देता हूं, तो गाइस ये कट रही है अपनी रिसिप्ट, सो फाइनली गाइस यहां पे चेक करो ये अपनी रिसिप्ट कट रही है, ठीक है, और ये रहा हमारा जो बाकी पेमेंट है, ठीक है, बाकी पेमेंट हम कर रहे हैं, इसका नंबर आ रहा है, इसका नंबर आ रहा है ऊपर, ये चेक करो गाइस, ये बाकी पेमेंट हम कर रहे हैं तेरा, तो भाई नहीं आ रहा नंबर, दिमाग ठीक है तेरा, कर देंगे नंबर पे हाथ रख लिया भाई, नहीं कर देंगे, ब्लर कर देंगे, तो गाइस अभी यार क्या हो रहा है इसको, तो गाइस अभी फाइनल पेमेंट होने वाली है अपनी 10 आर की, ठीक है, फाइनली मतलब बुकिंग पेमेंट होने वाली है, हम 5 लाख की बुकिंग करा रहे हैं, ये चेक करो ये रही अपनी रिसिप्ट, मुंह में दो ना उसके, तो इंशाल्लाह ये अगर कल हो जाता है हम कल ही बाइक उठा लेंगे, मिल जाएगी कल, ओ भाई 2 मिलियन रुपए उठानी है क्या, तो भाई एक दिन में नहीं हो सकते 2 लाख, लोग ये बढ़ जाते हैं हमारे बढ़ जाएंगे भाई, ऐसे नहीं बढ़ते भाई। हमारे भी ग्रोथ करते हैं ना क्या थोड़े ना बोलते हैं हमें फॉलो करो तो नाम लिख के, तो वो वैसे थोड़ा बढ़ते हैं, सही बात है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है आपकी, प्लीज गिव मी द रिसिप्ट, रिसिप्ट प्लीज, 5 लाख आ गया आपको ब्रो, रिसिप्ट दे दो, बोल यार, तो फाइनली गाइस बाइक बुक हो चुके हैं, हां कब लेनी है, 2 मिलियन पे, कब होंगे 2 मिलियन, 2 मिलियन वो जब होंगे रात में, तो गाइस रात को ले लेंगे, सिर्फ 2 मिलियन में थोड़ी बाइक ले सकते हो, मेरे भी 1 लाख होंगे, उन्होंने चाहिए, अच्छा आप भी हो, ये भी ले रहे हैं, आप भी मार्केट में, हम भी है ना, हम भी मार्केट में, आप ही ले रहे थे ना, हम 6 साल ले रहे गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे 1 लाख हो नहीं रहे, यासर भाई पूरे यार छोड़ दिए गाइस, यासर भाई ने ब्लॉगिंग छोड़ दी है, तो गाइस जिस दिन हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम 6 साल ले लेंगे, ठीक है, दूसरी साइड मारा होता, तो फाइनली गाइस ये चेक कर लो, यहाँ पे अब लोगो आ गया अपना कावासाकी का,
कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, लेट द गुड टाइम रोल, जहाँ भी आपको गाड़ी दिख जाए रोक लेना, कोई चक्कर नहीं है। बाकी हमने रूफ रेल इसका पूरा ब्लॉक करवा दिया है एंड ORVM अपना भी हमने ना ब्लॉक करवा दिया है। तो बाकी यही सारी चीज़ें आज करवाई हैं। तो बाकी जो काम हमने कल करवाया था ना वो करवाया था हमने, ये देखो सीट कवर्स और मैट्स, ये चेक करो, ये हमने कल काम करवाया था। ये ऑटोफोम के सीट कवर्स हैं एंड जो मैटिंग है वो GFX की है। तो ये अपना काम हो गया एंड ये रीले लगाई थी हमने ऑटो फोल्डिंग वाली। कैसे लग रहे भाई? वही डिस्कस कर रहे हैं तो जरूर बताएंगे कैसे लग रही है। तो मेरी वाली एम्बुलेंस में देख जाएगी कैसी लग रही है। गाइस साहिल भाई का कहना है उनकी गाड़ी की, उनकी गाड़ी की ना जो हमने लोगो लगाया है वो एम्बुलेंस जैसा है, बट मेरे को तो अच्छे भी अच्छा लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा है एम्बुलेंस जैसा। बाकी कोई सीन नहीं है, बाकी चलते हैं अभी।